है दुनिया में कोई रिश्तेदार तेरा जो अपने मुंह से तेरे पाम का कांटा निकाल सके? बोलो बोलो, है अम्मा, है कोई नाती पोता कोई हो ऐसा निकाल दे? अरे जिनका मलमूत्र हमारी गोद में होता है वो कांटा नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा, कोई नहीं निकालेगा। ये तो कांटा चुभोना जानते हैं, निकालना कोई नहीं जानता। अगर कोई कांटा निकालना जानता है तो वो सिर्फ मेरा गोविंद है, जो तेरे जीवन के सारे कांटों को निकालता है, चुभाता नहीं है। वो कांटा चुभोता नहीं है, निकालता है। और ये दुनिया वाले कांटा निकालते नहीं, चुभोते। हाँ जी साहब, एक्सक्यूज मी, दुनिया वाले कांटा निकालते हैं कि चुबाते? चुबाते ना। आपके पास जितनी भी FIR कराने लोग आते हैं वो चुबाने वाले ज्यादा आते होंगे, है ना? निकालने वाला तो कोई नहीं आता कि उसने निकाल लिया, नहीं आता ना, सब चुबोने वाला। ये प्रूफ दिलवा रहा हूं पुलिस वाले भाई साहब से, चुबाने वाले ज्यादा आते हैं, निकालने वाला एक भी नहीं आता है। आता है एक आध कि मेरा कांटा निकाल दिया किसी ने, सामान चोरी हो गया था, मैं सामान दे गया उसका, चोरी कराने वाले ज्यादा आते है ना। निकालने वाला अगर दुनिया में कोई है तो सिर्फ मेरा गोविंद। इसलिए मेरे भाई बहनों, दुनिया में अपना कांटा चुबाने की बजाय बेटर है जो सबका कांटा निकालता है मेरा गोविंद, उसकी शरण में चले जाओ, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे कांटे अपने आप समाप्त हो, अपने आप समाप्त हो। गोविंद को भजो, गोविंद को याद करो, गोविंद को ध्याओ, गोविंद को मनाओ। कृष्ण ने कांटा निकाला, कांटा निकालने के बाद गोविंद बोले सुदामा जी से, अरे ओ भैया हमें अपना मित्र बना लो, हम तुमको हमारी कहाँ है भैया, हम कैसे बना सकते हैं, तुम तो राजा के पुत्र हो और हम दीनहीन ब्राह्मण हैं, हम तुम्हारे मित्र बनने के योग्य नहीं। मित्र तो वो हैं जो बराबर के लोग हों, समतल जो लोग होते हैं, बराबर के लोग, उनमें मित्रता अच्छी चलती है। एक मित्र बड़ा हो, बहुत अमीर हो, और एक मित्र बहुत गरीब हो तो लोग उसे चलने नहीं देते, लोग उसका उपहास करते उल्टा, और दूसरे गरीब मित्र पर लालचन भी लगाते हैं, अरे बड़े के चक्कर में बना लिया है, क्या है ना। लेकिन मेरे भाई बहन, सुदामा को अपना मित्र बनाकर श्री कृष्ण सांदीपन गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए उज्जैन नगरी, और वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर विद्या अध्ययन करने लगे। एक दिन सुदामा पाठ भूल गए, तो सुदामा पाठ भूले तो गुरुजी ने कहा जाओ सुदामा तुम जंगल से समदाबीन कर लाओ। उनको दंड दिया तुम्हें जंगल से समदाबीन के, सूखी लकड़ी लाने यज्ञ के लिए। सुदामा जी के बाद कृष्ण को कहा अब आप सुनाओ। कृष्ण जी बोले सब कुछ तो याद है, या ये कहें कि सब कुछ हम ही ने प्रकट किया है, अब अगर सुना देंगे तो हमारा मित्र अकेला हो जाए, और हमारा मित्र अकेला हो जाए ये हमारे लिए ठीक नहीं, ये मित्रता में भंग हो जाएगा। इसलिए गुरु जी हम भी पाठ भूल गए। पाठ भूल गए? बोले पूरा भूल गए गुरुजी, हमारे मित्र को तो थोड़ा याद था, हमें तो थोड़ा भी याद नहीं। कोई नहीं जैसा था यालू, कहते पाठ भूल गए। बोल ठीक है, तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो सजा सुदामा को है। भूख लगने पर कृष्ण के बटके भी चना खा लिए, ये सोचकर कृष्ण तो राजकुमार है, सूखे चना नहीं खाएगा, और सूखे चना नहीं खाएगा तो ये बेकार जाएंगे। बेकार क्यों जाए, जब मुझे भूख लग रही तो मैं क्यों ना खा लूं, खा लिए। कृष्ण आए, कृष्ण ने पूछा भैया वो भूख लग रही है वो चना कहाँ है? अब ये भी बहुत नटखट है, जो नहीं होता वही चाहिए इनको, इनको भूख वहां लगती है जहां खाने को कुछ नहीं होता। राम अवतार में भूख कहां लगी इनको, सबरी के यहां। राजा भोजन करत बुलावत, राजा नहीं आवत तज बाल समाजा।
कौसल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक हरि चले पराई। राजा बुला रहे हैं, सोने की थारी में भोजन परोसो आ जाओ। नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आए, खेलने में मगन है सरकार। और सबरी के घर में कुछ नहीं है, वहां कह रहे माँ भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? अरे वहां राजा बुला रहा था तो वहां तो गए नहीं, और यहां बिचारी के पास कछु ना बातें करे, भूख लग रही। देव की मैया परेशान रहती थी समिया दिन, बेटा खा लो बेटा ये खा लो बेटा ये खा लो बेटा ये खा लो बेटा ये खा लो, वो मांग नहीं कम खाते थे। अब जब देखा सुदामा मेरे बटके चना खा लिए तो पूछा भैया भूख लग रही है चना कहाँ है? सुदामा ने कह दिया चना तो मैंने खा लिए, कृष्ण जानते हैं इसका परिणाम। जो जीव दूसरे का हक खाता है उसे दरिद्री बनना ही पड़ेगा। हाथ उठा के बताओ किस किसने दूसरे का हक खाया है? टेंशन हो गई। गांव में एक बात की बहुत लड़ाई है, तैने मेरी मेड़ चुंजोती। चलते चलते क्या करते हैं, मेड़ दूसरे की मेड़ को काट काट के अपने खेत में डालते हैं ना, है ना? मैं आया तो देखा कितनी मेड़ कटी पड़ी है। मेड़ों पे होके आते ना, कटी पड़ी है, वाने माँ में घुसा रहा फावरो। ऐसा बताइए किस किसने दूसरे का हक खाया है? हिम्मत हाथ उठाओ, पक्की बात है जो हक खाएगा वो दरिद्री होगा, पक्का होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, सच्ची में नहीं कह रहा हूं, और ऐसा नहीं मैं आपसे मजाक कर रहा हूं, ये सच बोल रहा हूं। जिसने दूसरे का हक खाया उसे दरिद्री बनना ही पड़ेगा। हां उपाय बता सकता हूं जिससे आपको दरिद्री ना बनना पड़े, उपाय है मेरे पास। आई हैव एन आइडिया। You want ideas? बोली चाहिए, किस किस को चाहिए आइडिया हाथ उठाओ पीछे तक। और तुम्हें कसम लगे जो हाथ नहीं उठा रहे हैं ना वो आइडिया नहीं मानेंगे मेरा। देखो भैया आस्था वाले जरा ढंग से लगाओ, जरा सब पे रिकॉर्ड में रहना चाहिए सबका, ढंग से रिकॉर्ड करो भैया सबको, हाथ उठा के रखो सब। किस किस ने समझना है दरिद्री ना बनना पड़े, सब हाथ उठा के रखना जब तक मैं ना कहूं, है ना? ऊपर रखो जी, रखो ऊपर। हाँ पुलिस वाले भाई साहब आपको आइडिया नहीं चाहिए तो रखो ऊपर। पुलिस वाले भाई को ज्यादा जरूरी पड़ता है आइडिया, सब लोग रखो ऊपर। हाँ अब नीचे करो, नीचे करो सब। जब तुमने दूसरे का हक खाया ही नहीं तो तुमको आइडिया की क्या जरूरत है बताओ? जब तुम खाए नहीं तो आइडिया लेके क्या करोगे, जेब में रखोगे? इसका मतलब खाए हैं, खाए हैं। अरे मतलबवासी हो ये मत बोलो आई एम ब्रजवासी यार, ऐसे हम ऐसे खाएं या ऐसे खाएं, खाना ही है ना। तुम ऐसे नहीं बताओगे किस किस ने खाया, तो हमने कहा आइडिया बताओ किस किस को चाहिए, सब ने कहा हमको चाहिए। हमने पता लगा लिया कि सब दूसरे का खा खा के बैठे हैं, किसी ने दो मेड़ खाई है, किसी ने एक, किसी ने सौ की सौ खाई सबने है। क्यों जी पोदार साहब लिया है थोड़ा? हाँ तो सुन लीजिए आइडिया मैं बताता हूं, आइडिया है एक ही, आइडिया है एक उपाय है। अगर आप चाहते हो कि हमको दरिद्री न बनना पड़े, हमारे बच्चों को इस वेदना का सामना न करना पड़े, तो एक ही उपाय मेरे भाई बहन, सिर्फ एक उपाय, जिसका भी जितना खाया है उसका वापस कर दें, और भगवान के सामने जाकर दोनों कान पकड़कर नाक रगड़कर भगवान से कहे भगवान ना समझी में गलती हो गई, हमें माफ कर देना मेरे प्यारे, हमें ये दुख मत देना कि हमें दरिद्री बनना पड़े, हम देखो उसका लौटा कर आ रहे हैं, हमें ये दरिद्रता मत देना। और जब आप ऐसे दोनों हाथ जोड़कर त्राहिमाम कहोगे तो मेरा ठाकुर जी बहुत दयालु है, आपको तुरंत माफ कर देगा, फिर आपको वो दुख नहीं देगा।
और अगर आपने नहीं लौटाया तो अवश्य मेव भोक्तव्यम, फिर तो आपको अवश्य भोगना ही पड़ेगा। सुदामा को दरिद्री बनना पड़ा। कृष्ण द्वारका चले गए, सुदामा के ऊपर इतनी विपत्ति आ गई, इतनी विपत्ति आ गई कि उसके घर में अन्न तो छोड़ दो, अन्न का एक दाना भी नहीं, अन्न की भूसी नहीं है। मेरा भगवान सबको सब कुछ दे, लेकिन ना दे तो किसी को गरीबी ना दे। गरीबी, दीनता, ये बहुत बड़ा दुख है, ये बहुत बड़ा श्राप है। गरीबी में लोग ठोकर मारकर चलते हैं। जिनको सम्मान करना चाहिए गरीबी में, वो भी अपमान करके चलते हैं। अमीर की पत्नी को सब मां कहते हैं और गरीब की पत्नी को सब भाभी कहते हैं। वाह, कितना अंतर है इस अमीरी और गरीबी में। इंसान तो वही है, एक दिन जो गरीब है एक दिन वो अमीर भी बन जाएगा। लेकिन वाह, ये समय कितनी जल्दी बदल जाता है। अमीरी में जो सलाम ठोकते थे, गरीबी में वो राम राम भी नहीं लेते, राम राम भी नहीं लेते वो। इसीलिए कहूंगा यहां पर बैठे हुए हर शख्स से, कभी भी गरीबी का इंतजार मत करना। वो लोग बहुत मूर्ख हैं जो अच्छे समय का दुरुपयोग करते हैं, और वो लोग महान हैं जो अच्छे समय का सदुपयोग करते हैं और अच्छे समय में अपना नाम कर जाते हैं। वो लोग बहुत महान हैं, बहुत महान हैं, बहुत महान। हे मेरे भाई बहन, जब आपको भगवान सत्ता दे दे, जब आपको भगवान संपत्ति दे दे, जब आपको भगवान संतान दे दे, तो सबसे पहले अच्छा काम करने की कोशिश करो। अच्छा काम करोगे, शहरों में लोग अमीर क्यों रहते हैं जानते हो? शहरों में कुछ हो वो कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहते हैं, धर्म का काम, कुछ ना कुछ दान देते रहते हैं, चाहे 100 दें, चाहे 1000 दें, चाहे 5000 दें। कई लोग हैं जो लाखों रुपए ना दान में देते हैं, दान अच्छा काम करते हैं, पानी पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, भंडारे लगवाते हैं, तीर्थों में सेवा करते हैं, नलकूप लगवाते हैं, और न जाने क्या क्या, कोई मंदिर बनवाता है, कोई धर्मशाला बनवाता है। ये वो अमीर लोग हैं जो धन का सदुपयोग करते हैं, और जो ऐसा करते हैं उनके घर से लक्ष्मी कभी जाती नहीं बल्कि बढ़ती है, क्योंकि धर्म में लगा हुआ धन तुम्हारे यहां पर धन की वृद्धि करता है, घटाता नहीं।